दिए भगवान ने, देख के नहीं चल सकता तू? इतनी बड़ी स्कूटी आ रही है, पी के चल रहा है क्या? और देखो किसने बोला यहाँ पे चलने के लिए, जरा बता मेरे को। मैं हूँ कलकंदा, मैं तो सीधा चल रहा था, आपने आके ठोक दिया मुझको। आपको नहीं दिखता है क्या कहाँ चला रहे हो आप गाड़ी? अरे मैडम आपको नहीं दिख रहा है क्या, स्पीड लिमिट देखो 40 की है, वो भी मेन रोड की। हाँ की है मेन रोड, अब यहाँ चला रहे हो, इतनी तेज ठोक रहे हो। तू मुझे मत बता मेरे को क्या करना चाहिए, समझा? ये मेरे गाड़ी का डेंट कौन भरेगा? गाड़ी का डेंट और मेरी हड्डी टूट जाती है उसका क्या होता? डेंट कहाँ दिखाओ, डेंट कहाँ? तेरी हड्डी का टूटी ये बता पहले। अगर टूट जाती फिर क्या होता, अगर बच्चा आ जाता? मेरे को तो डेंट आ गया ना यहाँ पे। अब डेंट कहाँ गया, डेंट दिखाओ मुझे, कहाँ डेंट? देखना ये दिखाओ कहाँ डेंट, पहले का डेंट। तू ऐसे क्यों आएगा रोड छाप छपरी, रुक मेरे को अभी बताती हूँ मैं। Excuse me, ma'am. जरा तमीज में बिहेव करिए आप। क्या तमीज, एक लड़की का हाथ पकड़ता है, एक थप्पड़ नहीं खा सकता लड़की से? मेरे को तमीज सिखा रहा है। मैम हमारे यहाँ लड़कों को और लड़की को इक्वली ट्रीट किया जाता है, यहाँ पे रस्ते पे आप तमाशा मत करिए। ये सब बकवास मेरे को मत सिखाइए, जो गाड़ी बीचों बीच खड़ी करी ना उसे हटा। मैम एक तो आप अंधी हो और ऊपर से अक्कल की भी अंधी हो, वहाँ देखो पार्किंग का बोर्ड, गाड़ी पार्किंग में खड़ी हो और आप आ रही हो यहाँ। पार्किंग के साइन से तू अपनी गलती छुपा रहा है, तेरे जैसे छपरी मैंने बहुत देखे, समझा? अरे यार मैडम चाहती क्या है आप ये बता दीजिए, आपने एक तो गलती करी ऊपर से इनको भी डांट रही है, मुझे भी डांट रही है, क्या चाहिए क्या आपको? मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरा डेंट भरो। कहाँ है डेंट दिखा दीजिए मैम, मुझे एक भी डेंट नहीं है, उल्टा मुझे चोट लगी है। अच्छा ठीक है मैम, ये लेन खाली है, आप सीधा चले जाइए, गलती हमारी है। अरे ऐसे कैसे गलती है हमारी भाई, गलती तो इनकी है। नहीं नहीं गलती हमारी है ना भाई, हम गलत जगह चल रहे हैं। अरे हम कैसे गलत है, अरे गलती हमारी नहीं। और आपको मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई रोड साइड छपरी नहीं हूँ, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और ये सर्विस लेन और ये रास्ता मैंने डिजाइन किया। तो ये तुम्हारी मिली भगत है। हाँ मैंने सुना था गवर्नमेंट जॉब के लिए रिश्तेदार होने चाहिए, तुम जैसे छपरी तभी तो आ जाते हैं इस गवर्नमेंट जॉब में, बकवास करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आप है ना हद से ज्यादा बोल रही है, जबान पे थोड़ा लगाम दीजिए। अरे क्या बोल रही है यार, मैम जाइए आप प्लीज जाइए। मैम गलती हमारी है, सॉरी मेरी गलती है, मैं सीधा चल रहा था, मुझे पीछे से आंखों से देखना चाहिए था कहीं आप आ रही हैं, इसलिए मैं ठुक गया, मेरी गलती है। और भाई साहब की भी गलती है, अरे भाई साहब की भी गलती है, भाई साहब बैठे हुए थे। हाँ हाँ जी मैम गलती तो मेरी थी, मैं आपको हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मेरी गलती ये थी कि मैंने गाड़ी पार्किंग लेन में लगाई, मुझे जबकि रोड के बीच सड़क में लगानी थी। और हमें ये नहीं पता था कि मैडम यहाँ से गुजरने वाले हैं। मैम हम कभी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप प्लीज आप प्लीज। माइंडेड हाँ, तुम जानते नहीं हो हमारी गवर्नमेंट को कितनी सख्त है वो लड़कियों को लेके, तुम पे हरासमेंट का केस ठोक दूंगी, समझे? तुम हरास कर रहे हो एक लड़की को, और अब से तुम दोनों पे मेरी नजर रहेगी, समझे? तुम पीछे हटो। अब मेरे पास हो गए सबूत इकट्ठे, अब मैंने देख लिया ना तुम्हें और किसी लड़की को हरास करते हुए, तो फिर सीधा तुम्हें हाई कोर्ट लेके जाऊंगी, हाई कोर्ट, लो कोर्ट नहीं, सीधा हाई कोर्ट, समझ आ रही है? ठीक है मैम, अब मुझे मैम से गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं होगा। गलती मुझसे भी हो गई मैम, आज के बाद मैं कभी अपनी गाड़ी बाहर नहीं निकालूंगा, मैं अपने मेट्रो से आया करूंगा। आ गए ना लाइन पे पुलिस का नाम सुनते, तुम जैसे अच्छे अच्छे लोगों को मैंने बहुत ठीक किया, समझे? भाई यार गलती मेरी थी यार, मैं सर्विस लेन में चल रहा था, गलती तो मेरी भी थी भाई, मैं यहाँ पार्किंग में गाड़ी में बैठा हुआ था जबकि मेरा ऑफिस सामने ही है। फैसला तो भाई मैडम के हाथ में ही था, जो था वो हो गया, क्या करें।